हेलो एवरीवन इस वीडियो सीरीज़ में हम सी बी एस ई ट्वेल्थ आई पी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सेसन यानी कि करंट सेसन के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं ये क्रैश कोर्स आपके सारे आई पी सिलेबस को नाइन डेज़ में ख़त्म करेगा आज डे नंबर फाइव है फोर डेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यदि आपको देखना है चार दिन हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप रिवाइज़ कर सकते हैं डे वन टू डे फोर आज डे फाइव है और चलिए देखते हैं डे फाइव में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो डे फाइव में आज हम स्टार्ट करेंगे एस को जिसमें सबसे पहले हम मैथ फंक्शंस देखेंगे उसके बाद टेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे उसके बाद डेट फंक्शन को देखेंगे तो आपके सिलेबस में जो जो फंक्शंस हैं मैंने सारे फंक्शंस को डिटेल में कवर किया हुआ है विथ एग्ज़ाम्पल्स इसके बाद यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन पेपर्स में प्लस आपके जो प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था टर्म वन टर्म टू उसमें आए हुए हैं उसके साथ ही यहाँ पर कुछ आंसर्स हैं इस इन क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको इस पी के साथ मिल जाएंगे यदि आप चाहते हैं इस पी को परचेज़ करना तो डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर जाकर आप इस पी को परचेज कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं डे फाइव में और देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है सो so ये रहा डे फाइव इसमें हम आज मैथ फंक्शन में पावर राउंड मॉड फंक्शन देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन में यूकेस एल केस मिड लेंथ लेफ्ट राइट इन एस टी आर एल ट्रिम आर ट्रिम और ट्रीम फंक्शंस को देखेंगे डेट फंक्शन में हम नाव डेट मंथ मंथ नेम ईयर डे और डे नेम को देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ मैथ फंक्शन सबसे पहले फंक्शंस माइस्क्यूएल में क्या होते हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ माइस्क्यूएल ने कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं तो ऐसे फंक्शंस मैथमेटिक्स में जो होते हैं उनको मैथ फंक्शन बोलते हैं जो टेक्स्ट पर ऑपरेशंस के लिए हैं उनको टेक्स्ट फंक्शन बोलते हैं और जो डेट पर ऑपरेशन के लिए माइस्क्यूएल ने प्रोवाइड किए हैं उनको हम डेट फंक्शन बोलते हैं सो मैथ फंक्शन में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले फ़ंक्शंस को देखेंगे ऐसे तीन फंक्शंस आपके सिलेबस में हैं तो पहला फंक्शन पावर है जिसको हम देखेंगे मैथमेटिक्स फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उसको इस स्टूडेंट टेबल पर परफॉर्म करूंगा तो ये टेबल आप यहां पर देख सकते हैं इस टेबल में रोल नंबर है नेम है क्लास डेट ऑफ बर्थ जेंडर सिटी एंड मार्क्स हैं यहां पर कुछ रोज हैं जिन पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा सबसे पहले हम पावर या पीडब्ल्यू फंक्शन पी फंक्शन को देख लेते हैं जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पावर फंक्शन का यूज़ हम पावर निकालने के लिए करेंगे जैसे मुझे थ्री टू दी पावर टू को पता करना है तो मैं पावर फंक्शन का यूज करूंगा इसको हम कैसे यूज करते हैं उसका सिंटेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिखूँगा पावर एम कॉमा एन यहाँ पर ये एम है और ये एन है तो यहाँ पर एम टू पावर एन को मैं एम कॉमा एन लिखूँगा और साथ ही में मुझे देना पड़ेगा पावर या फिर मैं पी ओ डब्ल्यू यूज़ कर सकता हूँ एम कॉमा एन ये एम और एन दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी तो चलिए देख लेते हैं इसको हम एस में कैसे यूज़ करेंगे तो एस में इसको यूज़ करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट यहां पर फंक्शन उसके बाद सेमी कॉलम तो कोई भी फंक्शन मैं MySQL में यूज करूँगा तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट देना पड़ेगा उसके बाद फंक्शन देना पड़ेगा तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैंने दिया सिलेक्ट pow ओ डब्ल्यू थ्री कॉमा टू यहाँ पर मैं pow डब्ल्यू दे सकता हूँ या पूरा पावर थ्री कॉमा टू भी दे सकता हूँ तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिलेगा थ्री टू पावर टू नाइन और कॉलम का क्या नेम रहेगा जो मैंने यहाँ पर दिया है इसको आप यदि एलियाज दे देते हैं तो वो एलियाज वहाँ पर आ जाएगा जैसे मैं इसको दे देता हूँ एस रिजल्ट तो यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं और हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करके देख लेते हैं यदि मैं नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ और रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर थ्री टू पावर माइनस टू का रिज़ल्ट आएगा वन बाई नाइन जिसकी वैल्यू यहां पर यह है इसके बाद मैं पावर फंक्शन का यूज़ टेबल में भी कर सकता हूँ तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था स्टूडेंट टेबल मैं उसके मार्क्स कॉलम पर पावर फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ जो ये मार्क्स हैं इसका स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा सिलेक्ट पी डब्ल्यू मार्क्स कॉमा टू तो यहां पर मैं वैल्यू देने की जगह कॉलम का नेम दूंगा उसके बाद मुझे देना पड़ेगा फ्रॉम टेबल नेम तो सेलेक्ट पी ओ डब्ल्यू टेबल नेम सेमी कॉलन तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर होके आउटपुट आ जाएगा तो मैं पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी दे सकता हूँ यदि कॉलम के लिए देना है तो मुझे यहाँ कॉलम देना पड़ेगा और फ्रॉम किस टेबल से मैं दे रहा हूँ वो भी देना पड़ेगा इसके बाद सेकेंड फंक्शन है राउंड फंक्शन तो राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ होता है राउंड फंक्शन में एक नंबर मैं यहाँ देता हूँ और उसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ़ करना है मैं यहाँ पर दूंगा ये जो सेकेंड पैरामीटर है यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है यदि आप चाहते हैं तो इसको दें नहीं चाहते हैं तो इस पैरामीटर को इग्नोर भी कर सकते हैं सो so नंबर जिसको मुझे राउंड ऑफ करना है डेसीमल प्लेसेस कितने डेसीमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ़ करना है यदि मैं ये पैरामीटर नहीं देता हूँ तो जीरो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ होगा यानी कि सारे डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे और उसकी जगह जो राउंड ऑफ नंबर होगा इंटीजर फॉर्म में वो मेरा आ जाएगा जैसे मैं थर्टीन पॉइंट टू देता हूँ तो इसका राउंड ऑफ होके थर्टीन हो जाएगा यदि मैं कोई पैरामीटर नहीं देता हूँ सेकेंड प्लेस पर चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे मैंने आ दिया ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिलेक्ट राउंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव का राउंड ऑफ क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव का राउंड ऑफ होगा थर्टीन ट्वेल्व पॉइंट पॉइंट के बाद फाइव या इससे ज़्यादा कोई वैल्यू है तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी यदि यहाँ पर ट्वेल्व पॉइंट फोर होता तो इससे प्रीवियस वैल्यू आती जो थी ट्वेल्व तो ये राउंड ऑफ ऐसे काम करता है जैसे मैंने यहाँ ट्वेल्व पॉइंट फोर दिया तो आउटपुट ट्वेल्व आया मैं देता हूं सिलेक्ट राउंड ये वैल्यू दी मैंने और यहां वन दिया इसका मतलब मुझे वन डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है ट्वेल्व पॉइंट फोर सिक्स फाइव तो वन डेसिमल प्लेस तक क्या हुआ यहां पर कोई वैल्यू आएगी डॉट यहां पर एक डेसिमल प्लेस यहां पर आना चाहिए तो इस डेसिमल प्लेस से पहले एक यहां पर ये यह वाला डेसिमल प्लेस है तो ये आइदर थ्री हो जाएगा और फाइव हो जाएगा सॉरी ये वाला डेसिमल प्लेस या तो फोर ही रहेगा या फिर फाइव हो जाएगा तो वो कैसे पता चलेगा मुझे इसके जस्ट बाद वाला डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा ये फाइव या इससे ज़्यादा है तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर फाइव आ जाएगा और बाकी नंबर वैसे ही रहेगा तो एक डेसिमल प्लेस तक ऐसे राउंड ऑफ होगा अब यदि मैं यहाँ पर माइनस वन देता हूँ तो माइनस वन का मतलब है यहाँ तक ये यह प्लस वन काम करता है यहाँ एक डेसिमल प्लेस तक दो डेसिमल प्लेस तक करना है तो ये तीन डेसिमल प्लेस तक ये यह। यहाँ पर मैं वन देता था यहाँ टू ये थ्री के लिए थ्री दूंगा यदि मैं देता हूँ यहाँ माइनस वन तो वो इस तरफ आ जाएगा तब side में, side में तो अब राउंड ऑफ होगा वो डेसिमल प्लेस के लेफ्ट हैंड साइड्स में साइड में होगा यदि मैं माइनस वन देता हूँ तो यहाँ तक माइनस टू देता हूँ तो ये लास्ट के टू डिजिट्स राउंड ऑफ होंगे तो यदि मैं लिखता हूँ वन पॉइंट वन टू पॉइंट फोर सिक्स फाइव माइनस वन तो माइनस वन इसका मतलब ये चीज़ राउंड ऑफ होगी तो अब आप देखिए ट्वेल्व ट्वेल्व राउंड ऑफ कीजिए सो ट्वेल्व में मैं देखूँगा ये जो डिजिट है ये फाइव या उससे बड़ी है या फाइव से छोटी है यदि ये फाइव से छोटी है तो राउंड ऑफ होके ये टेन हो जाएगा यदि फाइव से बड़ी है तो ये ट्वेंटी हो जाएगा राउंड ऑफ करने का मतलब है इस प्लेस को मैं ज़ीरो बनाऊँगा ज़ीरो बनाऊँगा तो ये वन रहेगा या टू हो जाएगा टेन या ट्वेंटी के बीच आएगा आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं यदि मुझे ट्वेल्व पॉइंट फोर सिक्स फाइव को राउंड ऑफ करना है माइनस वन प्लेस तक सो so ट्वेल्व के पहले क्या आता है टेन इसके बाद क्या आएगा ट्वेंटी तो ये या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा अब आप देखेंगे ये फिफ्टीन से बड़ा है या नहीं फ़िफ्टीन से बड़ा है तो ट्वेंटी जाएगा फिफ्टीन से छोटा है तो टेन तो फिफ्टीन से छोटा है इसलिए टेन गया अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर वन फिफ्टी है तो मैं लिखता हूँ वन फिफ्टी कौमा माइनस टू माइनस टू मतलब ये दो प्लेसेस तक राउंड ऑफ होगा मतलब इन दोनों को ज़ीरो करना है आपको ज़ीरो कर दीजिए 150 फिफ्टी यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो तो ये 100 इससे छोटा है ये 200 तो अब ये इस तरफ भी जा सकता है इस तरफ भी जा सकता है अब कहाँ पर जाएगा आपको देखना है ये जो वैल्यू है लास्ट की दो डिजिट देखना है तो ये जो वैल्यू है ये 50 या उससे बड़ी हुई तो ये इस तरफ जाएगा यदि 50 या इससे छोटी हुई तो इस तरफ जाएगा या फिर आपको एस, आप इसको ऐसे देख सकते हैं 100 और 200 का मिडिल एलिमेंट क्या हो गया 150 तो 150 के इक्वल टू या ग्रेटर देन हुआ तो 200 में जाएगा इक्वल टू या इक्वल टू नहीं इक्वल टू वहां पर आ गया ये लेस देन हुआ 150 से तो इस तरफ आएगा तो यहाँ पर 150 है इसका मतलब ये 200 में जाएगा तो आउटपुट मेरा आ जाएगा 200, हंड्रेड एक और एग्जांपल, 149 फोर्टी माइनस तो दो डेसिमल प्लेसेस तक तो इस तरफ और इस तरफ की वैल्यू निकाल लीजिए 200, हंड्रेड यहाँ पर 100, लास्ट की दो वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दीजिए आप और इसको एक वैसे ही रखिए और एक प्लस करके लिख दीजिए अब 150 से इस तरफ होगा या इक्वल टू होगा तो 200 होगा इससे छोटा होगा तो इस तरफ होगा क्योंकि 149 छोटा है इसलिए ये 100 आउटपुट देगा ये था राउंड फंक्शन जिसमें हमने देख लिया कि हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं और इसको नहीं देंगे तो ज़ीरो प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगा अब हम देखते हैं मॉड फंक्शन सो मॉड फंक्शन मॉड्यूलस प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर आप देंगे मॉड एन कॉमा एम तो ये कुछ इस तरीके से होगा एन मॉड्यूलस एम मतलब जब एम से हम एन को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है वो ये आउटपुट में देगा इसको आप तीन वेज से यूज़ कर सकते हैं ऐसे या एन मॉड एम लिख के या एन परसेंटेज एम लिख के यूज एक से ही होगा सबसे पहले आपको देना पड़ेगा सिलेक्ट देन मॉड फाइव कॉमा टू तो रिमाइंडर आता है वन फाइव मॉड टू रिमाइंडर वन फाइव परसेंटेज टू रिमाइंडर वन तो तीनों वेज में से आप कैसे भी यूज कर सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस तो टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है यू केस या अपर तो यू केस या अपर क्या करता है जो भी स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करते हैं उसको अपर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है केस फंक्शन में आप यहां स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे उस स्ट्रिंग को यह अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा तो इसको यूज कैसे करते हैं हम यूज करने के लिए हम इसको सिलेक्ट लिखेंगे देन यूकेस और यहां पर स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे इस स्ट्रिंग को ये अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा यदि यहाँ पर स्ट्रिंग लेटर्स के अलावा कुछ और है तो वो सारी चीज़ें अनइफेक्टेड रहेंगी जैसे मान लिया नंबर है यहाँ पर सी बी एस ई सी एस आई पी फाइव है तो ये फाइव अनइफेक्टेड रहेगा यहाँ पर मैं यू के यूज़ कर सकता हूँ या पर भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर मैं इस फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को किसी टेबल के साथ यूज़ कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देने की जगह यहाँ पर अब दूंगा कॉलम नेम और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा ये कॉलम किस टेबल का है तो उस टेबल के उस कॉलम को अपर कैरेक्टर्स में ये कन्वर्ट कर देगा सिमिलरली एल केस या लोअर काम करता है यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दूंगा तो ये उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा यदि मैं चाहता हूँ तो टेबल के साथ भी इसको दे सकता हूँ यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा किस टेबल के साथ दे रहा हूँ यहाँ पर मुझे कॉलम नेम देना पड़ेगा तो सारे ही सारी वैल्यूज उस कॉलम की लोअर केस में कन्वर्ट होकर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी इसके बाद है मिड सब स्ट्रिंग या सब एस टी आर फंक्शन ये तीनों फंक्शन की प्रोटोटाइप या सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है बस नाम अलग है ये तीनों एक जैसा ही काम करते हैं तो ये तीनों का क्या काम है यहां पर आप देखिए मिड सब एस टी आर और सब स्ट्रिंग तो यहां पर मिड सब एस्टियर या सब स्ट्रिंग मेरी मेन स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट मुझे निकाल कर देंगे तो क्या देंगे जैसे मैंने यहां पर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी कॉमा टू तो इसका मतलब है सिंटेक्स में आप चेक कीजिए स्ट्रिंग देंगे स्टार्ट पोजीशन देंगे और उस पोजीशन से मुझे कितनी कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो मैं दूंगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब ये लास्ट वाला पैरामीटर कंपलसरी नहीं है तो स्ट्रिंग दी मैंने ए बी सी डी ई एफ जी और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सेकेंड नंबर से स्टार्ट करो ये फर्स्ट नंबर है ये सेकेंड नंबर है यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर जो नंबरिंग है वो वन से स्टार्ट होती है स्टार्ट पोजीशन द फर्स्ट पोजीशन इन द स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज़ वन ये ज़ीरो नहीं है ये पाइथन नहीं है इसलिए यहाँ पर वन से स्टार्ट होगी तो वन से स्टार्ट हुई यहाँ से मैंने कहा कि टू से मुझे स्टार्ट करना है तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा और लास्ट वाला पैरामीटर नहीं दिया इसका मतलब अप टू एंड तक मुझे सारी स्ट्रिंग चाहिए तो सारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होके सी डी ई एफ जी आ जाएगी अगर मैं बोलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू से स्टार्ट करो और थ्री कैरेक्टर्स मुझे चाहिए टू से स्टार्ट किया और थ्री कैरेक्टर्स तो ये फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर तो बी सी डी आउटपुट आना चाहिए तो देखिए बी सी डी आउटपुट आ गया तो आ, मैं यहाँ पर मिड यूज़ कर सकता हूँ सब एस टी आर लिख सकता हूँ या सब स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ ये तीनों ही सेम है वही काम करेंगे बस इनका नेम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करेगा आप जो भी स्ट्रिंग देंगे वो कितने कैरेक्टर्स की है आपको आउटपुट में मिल जाएगा सारे फंक्शंस को यूज करना एग्जैक्टली exactly सेम है सिलेक्ट लिखेंगे आप और फिर फंक्शन देंगे देन सेमी कॉलन ये एग्जैक्टली exactly सारे में ही सेम है आपको याद रखना है आपको सिलेक्ट को देना भूलना नहीं है इसके बाद है लेफ्ट सो लेफ्ट फंक्शन अलाउज यू टू एक्स्ट्रैक्ट अब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर सो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से सब स्ट्रिंग आपको निकाल के देगा जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी लिखा हुआ है तो यहाँ पर लेफ्ट क्या हुआ ये तो लेफ्ट से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में देना पड़ेगा दो कैरेक्टर्स चाहिए तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया ये सेकंड कैरेक्टर हो गया तो आउटपुट में ए बी आ जाएगा सिमिलरली होता है राइट right. तो अब मुझे राइट right साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए यदि ये ए बी सी डी ई एफ जी है तो ये राइट right साइड हुआ राइट right साइड से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए टू ये फर्स्ट ये सेकेंड टू करेक्टर्स चाहिए मुझे तो यहाँ पर एफ जी आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे राइट right से जो आ रहा है वो बैकवर्ड uh, डायरेक्शन में नहीं आएगा पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमें क्या देना है उसके बाद एफ जी लेफ़्ट टू राइट ही मुझे यहाँ पर आउटपुट में लिखना पड़ेगा इसके बाद इन एस टी आर सो किसी स्ट्रिंग में हम किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं वो किस लोकेशन पर है? तो so, जैसे लर्न सी एस एंड आई पी फ्रॉम सी बी एस ई सी एस आई पी ये मेरी मेन स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग है इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ सी बी एस ई सी एस आई पी किस पोजिशन पर है तो यहाँ से मैं गिनूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ये ट्वेंटी टू सो सी बी एस ई सी एस आई पी ट्वेंटी सेकेंड कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है सो so आउटपुट में मुझे ट्वेंटी सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर आप जो सर्च करेंगे उसकी लोकेशन मिल जाएगी आपको यदि आप कुछ ऐसी चीज़ सर्च करते हैं जो रिपीटेड है जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस सर्च किया तो जो आपका फर्स्ट स्पेस यहां पर मिल रहा है उसका पोजीशन यहां पर आ जाएगा इसके बाद एल ट्रिम फंक्शन रिमूव्स ऑल दी स्पेस कैरेक्टर्स फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग तो ये मेरी स्ट्रिंग है जैसे मान लीजिए यहां पर भी स्पेस है इसमें यहां पर भी स्पेस है ये देखिए सीबीएसई सी एस आई पी अगर मैं एल ट्रिम करता हूँ और इस इस स्ट्रिंग को इसके अंदर देता हूँ तो लेफ्ट साइड वाले सारे स्पेस चले जाएंगे आप देखेंगे यहाँ से चले गए लेकिन राइट right में अभी भी स्पेस हैं आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर स्पेस अभी भी है तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें लेफ्ट और साइड लेफ्ट और राइट right साइड में स्पेसेस हैं यदि आप लेफ्ट साइड से स्पेस हटाना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे एल ट्रिम फंक्शन यदि राइट right साइड से स्पेस हटाना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे आर ट्रिम फंक्शन लेफ़्ट में भी स्पेस है राइट right में भी स्पेस है सो so राइट right के स्पेस हट गए यहाँ पर लेफ्ट में अभी भी स्पेस है यदि आप दोनों तरफ से स्पेस हटाना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे ट्रिम फंक्शन का सो ट्रिम फंक्शन ऐसे यूज़ होता है इसका सिंटेक्स ये है ये आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन अगर आप इसको सिंपली यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रिम और आप अपनी स्ट्रिंग देंगे तो दोनों तरफ से स्पेसेस हट जाएंगे और सी बी एस ई सी एस आई पी आ जाएगा यहां पर हम इसको और दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं जैसे मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से या लीडिंग साइड से स्पेसिस हटाना है तब मैं लिखूंगा ट्रिम लीडिंग फिर कहाँ क्या स्ट्रिंग चाहिए मुझे वो स्ट्रिंग दूंगा कौन सी स्ट्रिंग आ, कौन सा कैरेक्टर हटाना है वो मैं यहाँ पर दूंगा यदि मुझे स्पेस हटाना है तो मैं स्पेस दूंगा फ्रॉम कौन सी स्ट्रिंग से मुझे करेक्टर्स हटाना है तो मैं वो यहाँ पर दूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये क्या करता है ट्रिम फंक्शन रिमूव्स ऑल स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स नॉट स्पेस ओनली एल ट्रिम और आर ट्रिम सिर्फ स्पेस को हटा रहे थे ये किसी भी कैरेक्टर को हटा सकता है उस कैरेक्टर को मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अगर मैं लीडिंग लिखूँगा तो लीडिंग से हट जाएंगे ट्रेलिंग लिखूँगा ट्रेलिंग से हट जाएगा यदि बोथ लिखूँगा तो दोनों साइड से वो करेक्टर या वो स्पेस होगा तो स्पेस हट जाएगा मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है एक्स 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 सी बी एस ई सी एस आई पी एक्स 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 अब मुझे इस एक्स एक्स को हटाना है तो मैं क्या करूँगा मुझे यूज़ करना पड़ेगा ट्रिम फंक्शन तो मैं लिखूंगा ट्रिम बोथ दोनों साइड से हटाना है तो बोथ ट्रिम कैरेक्टर क्या है एक्स फ्रॉम स्ट्रिंग क्या है एक्स 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 सी बी एस ई सी एस आई पी एक्स 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 ब्रैकेट सेमी कॉलम यहाँ आगे सिलेक्ट तो अब मेरे दोनों साइड से एक्स कैरेक्टर्स हट जाएंगे तो इस तरीके से आप ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हैं अब हम आ गए हैं डेट फंक्शन पर सो तो डेट फंक्शन क्या है ऐसे फंक्शंस जो डेट पर काम करते हैं वो डेट फंक्शंस कहलाते हैं जैसे नाव नाव फंक्शन रिटर्न्स दी करें डेट एंड टाइम यदि मुझे करेंट डेट एंड टाइम चाहिए माई एस में तो मैं क्या करूँगा सिलेक्ट एंड नाव फंक्शन ये सारे फंक्शंस हैं इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट्स देना भी इम्पोर्टेंट है नाव देन ब्रैकेट्स देन सेमी कॉलन तो सिलेक्ट नाव तो मुझे करेंट डेट मिल जाएगी सिस्टम डेट ये जब मैंने ये कोड रन किया था तब एटीनथ जेंट 2021 था और 1354 हो रहा था इसलिए वो टाइम यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी आप इसको रन करेंगे तब आपको करेंट डेट एंड टाइम मिल जाएगा इसके बाद डेट फंक्शन है अब आप यहां पर देख रहे हैं ये डेट टाइम एक्सप्रेशन है डेट टाइम एक्सप्रेशन बिकॉज यहां पर डेट भी है और टाइम भी है टाइम स्टाम्प है अब मुझे इसमें से सिर्फ डेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैं यूज करूंगा डेट फंक्शन का डेट फंक्शन यूज किया यहाँ पर मैंने पूरा टाइम स्टाम्प दिया तो मुझे सिर्फ डेट मिल जाएगी ये डेट यदि मुझे मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पर टाइम स्टाम्प दूंगा मुझे मंथ मिल जाएगा जनवरी मंथ फर्स्ट मंथ है इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वन आ गया सिलेक्ट मंथ टाइम स्टाम्प पूरा डेट टाइम एक्सप्रेशन मंथ नेम अगर मैं यहाँ पर पूरा डेट टाइम एक्सप्रेशन देता हूँ या सिर्फ डेट देता हूँ तब क्या होगा ये मंथ नेम दे देगा जनवरी ईयर चाहिए तो सेम यहाँ पर मैं वही डेट टाइम एक्सप्रेशन दूंगा या डेट डेट दूंगा, तो मुझे ईयर मिल जाएगा कौन सा ईयर है डे चाहिए तो मैं डे फाइंड कर सकता हूँ एटीनथ जैन है सिमिलरली डे नेम चाहिए तो मैं सिलेक्ट डे नेम करूंगा और यहाँ डेट टाइम एक्सप्रेशन या सिर्फ डेट भी दूंगा तो मुझे डे मिल जाएगा तो ये सारे फंक्शन सिमिलर हैं एक से हैं बहुत ही सिंपल हैं आई होप आपको इन सब समझ आए होंगे इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं इसके साथ ही इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आप यदि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैच्यूएल में आपसे बहुत कुछ आसानी से बनने लगेगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है सो आई होप आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा अब हम नेक्स्ट डे में लेंगे जब हम डिस्कस करेंगे डे सिक्स यदि आपको इस वीडियो में जो भी पड़ा उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं पूछ सकते हैं थैंक यू